बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। होप सो के तमाम लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह परसों रात से शुरू हुई थी, कल पूरा दिन बारिश हुई है। मतलब कि खुल के बारिश नहीं हुई, जैसे खुल के बारिश होती है ऐसे नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह इतनी बारिश हुई है कि गंदम वगैरह को पानी और चारे वगैरह को पानी लगाने की ज़रूरत अब नहीं रही। लेकिन अभी जो है धूप जो है वो निकल आई है और माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हुआ है। एक लेके आए हैं हाके का रक्षा, हाका इसलिए लेके आए हैं क्योंकि नीचे अब कीचड़ हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। सारे भैंसे वगैरह सारी जानवर जो हैं आधे जानवर निकाल दिए हैं, जहाँ कीचड़ नहीं है वहाँ बांध दिए हैं, जहाँ कीचड़ है वहाँ पर अभी हाका वगैरह डालते हैं। ये खुद जाके तो हाका लेके आ सकते नहीं है कि आखन भैया यारा चिक्कर दसन लै भी हाका जब हमने कर दी है इनकी हिफाजत, और जिस बंदे ने रखी होती है उसका चाहिए कि जानवरों की हिफाजत करे। ये बेजुबान माल होता है, ये बदवाएँ दे सकता है, तो इनकी बदवाओं से बचें, ये दुआएं दें, अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला हम सबको खुश होकर रखे। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया, इंशाल्लाह मज़ा आएगा इस व्लॉग में आप सबको, और इन्जॉय करेंगे आप सब हमारा व्लॉग। लाइक कमेंट लाजमी करना है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल ग्रो नहीं हो रहा, चैनल ग्रो बिल्कुल नहीं हो रहा, चैनल को ग्रो करें, ग्रो करें, ग्रो करें, आगे आगे लेके जाएँ यार, चैनल बताओ हमें। बात बता गया, एक दोस्त का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, आई नो कि वो किस एरिया से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका मैसेज आया, सलाम नीचे क्या हाल है भाई। और उसने एक मैसेज किया, भाई आप ना वीडियो बनाते हो, आपके व्यू नहीं आते भाई, आपकी यूट्यूब फैमिली बहुत कम है। मैं यार गाल सुन मेरी, मैंने उसको बहुत ना सोच समझ के मैसेज किया, मैंने कहा अच्छा लगे, बुरा उसको ना लगे। मैंने कहा यार मेरे जो व्यू आते हैं ना 50 से 60, समझो मेरी यूट्यूब फैमिली वो ही है, मेरे भाई बहनें बाहर से जो पाकिस्तान से बाहर प्रदेश वगैरह जो भी वीडियो देख लेते हैं हमारे लिए वही काफ़ी है बस। तो इसलिए उसको मैंने कहा जितने भी व्यू आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त वीडियो देख लेते हैं ये काफ़ी है। तो जनाब बहुत बातें हो गई, तो इंशाल्लाह अभी ये हाका जो है ये इधर ना फेंकते हैं, सेट करते हैं। गर्मी ला पी है बड़ी गर्मी हो गई है, लाओ लाओ तो बाल ये ना इतवारी अभी यह साइड हो गई, अभी इस तरफ डालते हैं, मलिक साहब भी आ गए हेल्प कराने के लिए। अभी जनाब वो साइड हो चुकी है, अभी इस साइड में सारा जो है ना ये करते हैं सिस्टम। मज कदे खोल के यहाँ मलिक साहब आ गए हैं, साथ हेल्प करा रहे हैं, और मलिक साहब के लिए मैं ले आया हूँ बाल्टे, मलिक साहब को खिलाएंगे ताकि मलिक साहब ने हेल्प कराई है, तो मलिक साहब की ये तो बनती है। जनाब अभी टाइम हो गया चाय का, चाचू चले गए हैं ज़मीन में, वो कहते हैं जब तक लाइट आती है ना मैं पट्टे शुरू करता हूँ, आप तुम आ जाना। तो मैं वो खाका उतार रहा था, तो अभी चाय लेके जा रहा हूँ ज़मीन में ही, शुगर मेरा लगाते हैं उधर जाके। जनाब चाय शाय पी के हम जो है ना चाय शाय पी के फ्री हो चुके हैं, तो मलिक साहब जी हाका तो लवा छोड़े, माल्टे शाल्टे खा लेने जी, थोड़े जे पट्ठे करा छोड़ो वास्ता खदा दे मैं पोको नहीं हूँ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੱਟੇ ਨਾ ਕਰਾਣ ਲੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣ ਦੇ ਤੇ ਬੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਫਤਾ ਜੀ ਕਰਾ ਛੜੋ ਨਾ ਮੁਫਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਦਾਖਲੋ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ
मलक ने खाका लो आया मलक ने खिलाएन बाल्टे मैं मलक जी बैठे करा है मिल पोको नहीं मैं कहा यारा मतलब तो मैं समझ गया ना मैं यार चल पोको तो फ्रिज करा छोड़ आता एक काम नहीं होता आया मलक तो जनाब अभी वो वाले कपड़े हम माड़ा उतार आया है वो साफ कपड़ा था ना इसलिए वो उतार आया जनाब वो साफ कपड़े थे उतार आया हूँ अभी ये वाले ढेरे वाले पहन आया हूँ साफ तो ये भी आप देख सकते हैं साफ है अभी मतलब धोए हुए पहन के आया हूँ लेकिन ये कैटेगरी में आते हैं ढेरे वाली में ये घर वालों ने लाउड किया हुआ कि ये आपने ढेरे पे पहन लिया जी बस ये ढेरे वाला पूरा यूनिफॉर्म पहन आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है तकरीबन मुकम्मल हो गया और अभी ये कपड़े इसलिए पहन के आया हूँ क्योंकि साफ कपड़ों में काम नहीं होता या कपड़े बचाओ या काम करो ठीक है साफ कपड़े इसलिए उतार आया हूँ वो फिर दिल नहीं करता सही काम करने का बंदा कहता है कपड़े बचाओ तो इसलिए वो उतार आया हूँ ये वाले पहन आया हूँ अभी खुलम खुला काम जो रह गया वो मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह तो फिर फ्री होते हैं बस लाइट का थोड़ा वेट है लाइट एक दो दिनों बाद जो है ना लाइट जाती है पूरा दिन तकरीबन 5-6 घंटे जाती है तो बस लाइट जाती है पट्टे काटने रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम हो गया है तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम काज करने के बाद थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो खाना वगैरह खा के आए हैं घर अभी तो अभी चाय मैं डेरे पे ले आया हूँ क्योंकि वेट है तो बिजली का बिजली का वेट कर रहे हैं कि बिजली कब आए और चारा काटें तो फिर अभी दूध निकालने का टाइम हो रहा है इनको पट्टे डालने हैं तो बिजली का वेट है अल्लाह करे अभी आ जाए जल्दी तो टाइम से हम फ्री हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब तमाम काम काज करने के बाद हो चुके हैं फ्री और दोबारा होम कैटेगरी वाले कपड़े पहन लिए हैं और अभी बाहर ज़मीनों की तरफ आया हूँ मैं बात असल बात पता क्या है आपको बताना ये चाहता था कि ये जो मैंने आज शेयर किया आपसे काम ये टोटली काम तो डेरे का है नहीं आपको पता है डेरे का कितना काम होता है तो इंशाल्लाह किसी दिन कोशिश करूँगा कि डेरे के ऊपर एक मुकम्मल ब्लॉग बनाऊँ कि टोटली जो डेरे का काम होता है ना मैं वो शेयर आपसे करूँ बाकी आपका प्यार है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह सपोर्ट करते रहें चैनल को ग्रो करना चैनल को ऊपर लेके जाना इंशाल्लाह भाई के चैनल को ऊपर लेके जाओ आप लोग तो सपोर्ट करो शेयर लाइक कमेंट करो कमेंट लाजमी किया करो यार मुझे पता चल जाता है कौन लोग ब्लॉग देख रहे हैं बहुत खुशी होती है ये नहीं कि कमेंट मेरे कमेंट करने से मुझे भी कुछ हासिल तो नहीं होगा तो ना मुझे कोई लालच है किसी चीज़ का मैं तो बनाता हूँ बस मेरे दोस्त भी हैं खुश हो जाते हैं मेरा ब्लॉग देख के वीडियो वगैरह देख के पाकिस्तान को देख के पंजाब को देख के तो बस ये आपका प्यार है आप सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह सपोर्ट करते रहें इंशाल्लाह फिर अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे तो जैसा भी हुआ इंशाल्लाह आज कोई खास कैटेगरी का ब्लॉग तो नहीं है खास कोई रूटीन तो नहीं आपको दिखा सकता लेकिन आज रूटीनली कि मैंने कहा चलो 2-3 दिन हो गए ब्लॉग बनाए अपलोड किए हुए आज को खास दिन क्योंकि अभी बारिशें हैं धुंध है ना बंदा कहीं जा सकता है ना कुछ ना कख ना खाने ना पीने तो फिर ब्लॉग घर के बनाना ना तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी ऐसे ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे तब तक अपने भाई को इस दुआ के साथ के जा रहे हैं खुश रहें अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे अल्लाह हाफिज़।